अस्सलामुअलैकुम पीपल, दिस इज फैजान फ्रॉम द हाउस ऑफ अमीर आदमी बैरियर टाउन कराची में। आपको 500 गज का प्लॉट चाहिए, वो भी तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए में। 500 गज का प्लॉट बैरियर टाउन कराची में, वो भी सबसे करीबी प्रेसिडेंट में। बैरियर टाउन एंड कराची एंटर होते के साथ ही गेट से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव में मैं आपको प्रेसिडेंट 4 में 500 गज का प्लॉट दे रहा हूँ 2.25 करोड़ रुपए में। कैसे मिल रहा है? क्योंकि इस वक्त मार्केट बहुत डाउन है। इस वक्त बेचारे लोग अपनी चीज़ें जो उन्होंने बहुत महंगी खरीदी थी मजबूरी के तहत दिल पे पत्थर रख के बेचने आ गए हैं, और फिर भी बायर्स नहीं है। ये प्लॉट इस वक्त वर्जन 4 का 500 गज का तकरीबन 2.25 करोड़ 2.40 लाख रुपए में था, अब 2.25 करोड़ 2 करोड़ रुपए में वर्जन 4 का प्लॉट मिलने लगा है। लोकेशन वेरी करती है, ऑब्वियसली कैटेगरी वेरी करती है। जनरल प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट है, रोड फेस प्लॉट है, पार्क फेस प्लॉट है, ये वेरी करती है। ऊपर से एक और चीज़ इम्प्लाई होती है कि पोजेशन वाला प्लॉट है कि नॉन पोजेशन वाला प्लॉट है। अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं लोगों को जिनको नहीं पता होता, अलॉटमेंट वाला प्लॉट वो प्लॉट कहलाता है जो आप अलॉटमेंट समेत खरीदते हैं और रेडी टू कंस्ट्रक्ट करते हैं, और नॉन पेड प्लॉट वो कहलाता है जिसकी अलॉटमेंट और पोजेशन चार्जेस आपने पे करने होते हैं। अलॉटमेंट वाले प्लॉट वही लोग अमूमन खरीदते हैं जिन्हें प्लॉट खरीदते के साथ ही कुछ अरसे में घर बनाना होता है, और नॉन पेड प्लॉट वो लोग अमूमन खरीदते हैं या तो जिनके पास पैसे कम होते हैं, या तो जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चंद साल चीज़ रखना चाहते हैं, क्योंकि वो चंद साल फिर चीज़ बस रख के उसे उस प्लॉट को आगे बेच देंगे, उसमें घर बनाने का फ्यूचर नहीं देखते। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नॉन पेड प्लॉट खरीद लेते हैं और कुछ अरसे बाद उसे पेड करवा लेते हैं जब उनके पास पैसे हो जाते हैं या जब वो सही समझते हैं। अब आपको इस प्रेसेंट 4 में क्यों, प्रेसेंट 4 में ही 500 गज का प्लॉट लेना ज़्यादा बेटर क्यों है? बहुत सारे प्रेसेंट है बैरियर टाउन कराची में, 33 है और पैराडाइज है, वहाँ क्यों नहीं 500 गज का प्लॉट लें? बहरिया पैराडाइज जो है 50 प्रेसेंट 52 मुख्तलिफ प्रेसेंट जो है 51 500 गज के विलाज में बने, वहाँ पे आपको प्लॉट मिलता है तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 40 लाख रुपए का। लेकिन वहाँ पे मसला क्या है? वहाँ पे मसला है कि वो बहरिया मेन गेट से 12 किलोमीटर दूर है, वो कोई 10 से 15 मिनट की ड्राइव बनती है। अली ब्लॉक आता है, अली ब्लॉक के अपोजिट पैराडाइज की एंट्रेंस है, वहाँ से आप नीचे उतर के जाते हैं, स्ट्रेट लांगेजी ब्रिज आता है, पैराडाइज के विला आते हैं, उसके अपोजिट फिर प्रेसेंट 50 है 500 गज के प्लॉट से। पैसे उसके इससे कम है प्रेसेंट 4 से, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है। प्रेसेंट 4 में आपको 2.25 करोड़ रुपए में ऐसा प्लॉट मिलता है, ऐसी लोकेशन पे मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। प्रेसेंट 4 है मिडवे कमर्शियल की बैक साइड पे, प्रेसेंट 4 है प्रेसेंट 6 के साथ, प्रेसेंट 4 है हेड ऑफिस के एडजेसेंट, प्रेसेंट 4 बैरिया मेन गेट से सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पे, प्रेसेंट 4 आइडियल लोकेशन है। बैरिया टाउन कराची में एंटर होने के साथ ही सबसे पहला जो 500 गज का प्रेसेंट आपको मिलता है वो प्रेसेंट 4 ही मिलता है। वहाँ पे बहुत सारे घर बन रहे हैं इस वक्त, ग्रे स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद है, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं जो कि बिकने के लिए मौजूद हैं, कुछ वहाँ पे रिहायशी भी अच्छी खासी हो गई है। 30-40% में बड़की मार के 70% नहीं बोलूंगा, लेकिन 30-40% रेजिडेंट्स वहाँ पे आ गए हैं, लोग रह रहे हैं, लेवल के वहाँ पे प्लॉट्स हैं, और अच्छा बड़ा प्रेसेंट है, प्योर 500 गज का प्रेसेंट है। वहाँ पे एक ताजमहल नुमा चीज़ भी बना रहे हैं, वो जाके देखनी पड़ेगी, वो आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। बादशाह साहब फिर से कहाँ से जिंदा हो गए ये मुझे भी नहीं पता चला। खैर, 500 गज का वो प्लॉट लेने का फायदा ये है, 500 गज का प्लॉट लेने का फायदा ये है कि वो बैरियर टाउन कराची में सबसे पहले एंटर होते हैं, साथ ही प्रेसेंट है, तो लोग वहाँ पे जब खरीदने को प्रेफर करते हैं 80% कॉल्स ही आती हैं बैरियर मेन गेट से सबसे करीब कौन सा 500 गज का प्लॉट है, 500 गज का प्रेसेंट है, तो वो प्रेसेंट 4 बनता है। तो 500 गज का प्लॉट आप वहाँ पे ले लेंगे तो आपको करीबी मिडवे कमर्शियल मिल जाएगा, आपको प्रेसेंट 16 जो 250 गज के घर और प्लॉट्स वहाँ पे मौजूद है वहीं पे आपको बैरिया हेड ऑफिस मिल जाएगा, और हर लिहाज से एक्सेसिबल है। वहाँ से पीछे रास्ता जाता है बैरिया हाइट्स को, प्रेसेंट 10 को, उस वो मल्टीपल रूट्स है, पीछे कायद एवेन्यू जाती है उसको भी टच करता है, तो मल्टीपल एक्सेस रूट्स भी हैं प्रेसेंट 4 में। प्रेसेंट 4 में रेट्स इस वक्त क्या रहे, इस वक्त फरवरी चल रहा है 2023 का फरवरी, इस वक्त आपको प्रेसेंट 4 में जो मरे से मरा प्लॉट है, जो नॉन पोजेशन वाला होगा, जिसकी कोई अच्छी लोकेशन नहीं होगी, खड्डे पे होगा, वहाँ पे एक नाला टाइप डैम टाइप जगह भी है, वहाँ पे पीछे जाके आपको प्लॉट नॉन पेड नॉन पोजेशन वाला 1.45 करोड़ रुपए का से लेकर 1.50 लाख रुपए में बिल्कुल फारिक प्लॉट मिल जाएगा। अभी मैं फारिक प्लॉट माजत कहने की ज़बान ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये वो प्लॉट है जो बिल्कुल मरे से मरे रेट में होगा। अगर कोई सोचे कि आपको सबसे सस्ता प्लॉट प्रेसेंट 4 में कितने का मिलेगा, तो 1.45 करोड़ का मिलेगा, वो भी बिल्कुल पीछे की लोकेशन डिप्रेशन का प्लॉट। अब इसमें आ जाते हैं, अच्छा प्लॉट कैसा होता है? अच्छा प्लॉट जो होता है वो ऑब्वियसली जो एंट्रेंस है प्रेसेंट 4 की, जहाँ से आप निकलते हैं सामने हेड ऑफिस आता है, उल्टे हाथ पे आपको मिडवे कमर्शियल पड़ता है, वो वाले प्लॉट्स हैं, वो वाला एरिया, और वहाँ पे अच्छे एक्सपेंसिव प्लॉट है। वहाँ पे आपको प्लॉट मिलते हैं तकरीबन 2.10 करोड़ 2.15 करोड़ रुपए, और थोड़े अरीब करीब थोड़ा सा पीछे चले एक मीडियोकर मिडिल लेवल जगह पे, तो वहाँ पे तकरीबन 1.75 करोड़ 1.90 करोड़ रुपए के प्लॉट्स मिलते हैं। और जो कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट्स होते हैं वो फिर 2.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा के होते हैं, टॉप की लोकेशंस पे होते हैं, क्योंकि हिल टाइप जगह, कुछ प्लॉट्स डिप्रेशन में, कुछ हाइट्स पे,
तो इस तरह से वेरी करता है। इन प्लॉट्स की अगर मैं वीडियो वगैरह शेयर करूंगा तो आपको स्ट्रीट व्यू से अंदाजा होगा, घर बहुत बने हुए, एलिवेशन बहुत अच्छी है इन घरों की। उधर के घर इस वक्त तकरीबन मिल जाते हैं आपको 5.5 से 6.5 करोड़ रुपए के दरमियान, आपको इजीली 500 गज का प्राइवेट कंस्ट्रक्शन का घर मिल जाता है। 500 गज का प्राइवेट कंस्ट्रक्शन का घर सबसे पहले प्रिसिंक्ट 4 में ही बन रहा है, क्योंकि पैराडाइज में वायद हैं जो बहरिया ने लॉन्च किए थे, और बहरिया की कंस्ट्रक्शन से एज यूजुअल लोग खुश नहीं है। तो अब प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की तरफ जो लोग जाते हैं उनको यही मैं ब्रैकेट बताता हूँ, 5.5 से 6.5 करोड़, 7 करोड़ भी हो सकता है। ऑब्वियसली बंदे टू बंदे वेरी करता है किसी ने अपने घर में कितने पैसे लगाए। तो ये एक छोटी सी सिचुएशन है जो इस वक्त प्रिसिंक्ट 4 की है, 2023 फरवरी की करंट प्राइस के हिसाब से। इसमें बहुत सारे प्लॉट्स मेरे पास अवेलेबल हैं इन्वेंट्री पे, बहुत सारे और बहुत सारी चीज़ें, ऑब्वियसली लोग अपनी सेल भी करना चाहते हैं। तो जिस हवाले से भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। अल्लाह।